का पर भाई रिफंड कैसे लेते हैं भाई? कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ ऑर्डर करते हो गलती से और आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी होती है 6-7 दिनों की। ठीक है, चलिए बताता हूँ कैसे रिफंड लेते हैं। दोस्तों मैं एक प्रोडक्ट आपको रिफंड करके बताने वाला हूँ, अपने बैंक पर लाऊंगा वो कैसे, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले भाई आपको दोस्तों मैं देखो यार फ्लिपकार्ट के माय ऑर्डर सेक्शन पे आ चुका हूँ। देखो यार दोस्तों यहाँ पर मैंने एक ऑर्डर किया है दोस्तों, इसको मैं कैंसिल करना चाहता हूँ या फिर रिफंड करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए हम रिफंड करेंगे। तो भाई उसका पैसा हम बैंक में कैसे लेंगे, चाहे आप कैश ऑन डिलीवरी करें या कुछ भी करें, तो आपने पैसे तो दिए होंगे, भाई उसको रिफंड कैसे बैंक पर लेना है यार? लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान भी रखना है वरना आपका पैसा फंस जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आप देखो भाई यहाँ पर मेरी रिटर्न पॉलिसी 15 दिसंबर की है और दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन रिटर्न का, हम उसमें क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मांग रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पर क्या प्रॉब्लम था। दोस्तों मेरा एक साइज प्रॉब्लम है, तो मैं साइज में क्लिक करके यहाँ पर लिख रहा स्मॉल साइज, लाइक साइज, आपके मैं कुछ और भी बता सकता है, तो आप सेलेक्ट करके दोस्तों यहाँ पर मुझे कमेंट में कुछ भी लिख दीजिएगा, आपको जो लिखना वो लिख सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 5 नंबर लिख दे रहा हूँ, कुछ भी, ठीक है ना, ये सब आपको बताने के लिए है। तो हम इस पर कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ एक नया ऑप्शन खुल के आएगा इस टाइप से, वो मैं बता रहा हूँ ऐसे। अब देखो यहाँ पर देखो डू यू वन टू आई आइटम, ठीक है भाई, यहाँ पर एक्सचेंज का रिटर्न का ध्यान रखना, अगर आप एक्सचेंज में क्लिक करते हैं तो भाई आपका प्रोडक्ट दूसरा आएगा, फिर से आपका एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ एक्सचेंज होगा। नीचे लिखा रिफंड, हमें रिफंड पर क्लिक करके यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन खुल चुका है गिफ्ट वाउचर बैंक अकाउंट वीआई यूपीआईडी बैंक अकाउंट। दोस्तों अगर आप धोखा से भी गिफ्ट वाउट में क्लिक करके रिक्वेस्ट कर देते हैं तो भाई आपका पैसा आपके वॉलेट पर आ जाएगा और फिर वॉलेट का पैसा बैंक में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो भाई आपको बैंक्स में क्लिक करके ही करना है और नीचे ऐड पर आप क्लिक करके आपने नया बैंक खाता भी ऐड कर सकते हो जिसमें आप लेना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मेरा पहले से ऐड है। आप दोस्तों बीच में लिखा बैंक अकाउंट यूपीआई, आप चाहो तो भाई बैंक इसमें क्लिक करके आप किसी भी ऐप का फ़ोनपे का पेटीएम का गूगल पे का यूपीआईडी भी डाल के यहाँ से उसमें भी पैसे ले सकते हैं आप, ये वाला ऑप्शन भी आता है। तो भाई मैंने बैंक पर क्लिक करके आपको नीचे लिखा है सबमिट रिक्वेस्ट, आप में उसमें क्लिक कर देना। ठीक है, तो आप ये करके आप आसानी से अपने पैसे को रिफंड कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको सेम टू सेम वैसे ही अपडेट करना है। ठीक है, आई होप चीज़ को समझ में आ गई होगी। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि भाई आपके लिए ऐसे मजेदार वीडियो आगे भी लाते रहता है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।